हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से लेकर 12 तक। आपको पता होगा कि आपका नया सिलेबस आ चुका है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो आज हम सिर्फ क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका साइंस में टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं और उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स आपके वो कटे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहले टर्म वन की बात करते हैं साइंस में कि टर्म वन में आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं। तो देखते हैं, आपका टर्म वन में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आने वाला है। सेकंड चैप्टर आपका आने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और थर्ड चैप्टर भी आपका आने वाला है मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं और जिनकी पूरी वेटेज जो है मार्क्स 16 मार्क्स की आएगी आपकी एग्ज़ाम में, ठीक है। यानी कि आपके टर्म वन में इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप्स, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 आपका आएगा जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी वेटेज जो होगी 10 मार्क्स की होगी, ठीक है। ये बायोलॉजी का इकलौता चैप्टर जो कि आपका इस टर्म वन में आएगा। बाकी ये दो चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 और 11 फिजिक्स के हैं, ठीक है। चैप्टर 10 का नाम है लाइट और चैप्टर 11 का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। दोनों की वेटेज आएगी 14 मार्क्स के बराबर दोनों की मिला के, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टर्म वन का सिलेबस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं इन चैप्टर में आपको कितना कितना पढ़ना है और कितना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, हम जान लेते हैं कि टर्म वन में जो आपका सिलेबस आ रहा है उसमें से आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जो आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें नो रिडक्शन, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको पूरे चैप्टर एज इट इज़ पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी टॉपिक नहीं कटा है। वैसे ही चैप्टर नंबर 2 भी है एसिड बेस सॉल्ट, उसमें भी नो रिडक्शन, कोई भी टॉपिक नहीं कटा, आपका फुल चैप्टर अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। लेकिन जो आपका थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कट चुका है इसके बाद से, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल जो कि है पेज नंबर 49 पे, इसके बाद से आपको नहीं पढ़ना है। इससे पहले पहले का आपको पढ़ना है और इसके बाद का आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आपको चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें नो रिडक्शन, कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे। और चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइट, उसमें आपको मिरर और जो लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो होता है फॉर्मूला निकालने वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है, बस बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है एज इट इज़। और चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको ह्यूमन आई वाला पूरा पार्ट, ठीक है, आई डिफेक्ट जो भी आपको बताए गए थे वो सब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड से यानी कि प्रिज्म से आपको स्टार्ट करना है, डिस्पर्शन वगैरह से आपको स्टार्ट करना है, वो पूरा आपको पूरा एंड तक इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको सिर्फ वही टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके टर्म वन के सिलेबस की कि आपके कौन से चैप्टर आएंगे और आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से आपको टॉपिक नहीं पढ़ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म टू के सिलेबस की। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं टर्म टू के सिलेबस के बारे में जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि टर्म 2 में आने वाला है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपका टर्म 2 में आएगा, और दोनों की वेटेज मिलाकर आपकी आएगी 10 मार्क्स की, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो की है आपके बायोलॉजी के, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, दोनों आपकी जगह आने वाले टर्म 2 के लिए, जिसकी वेटेज आपकी होने वाली 13 मार्क्स की बस। अब फिजिक्स में से आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 आपका आने वाला है, और दोनों की वेटेज मिलाकर 12 मार्क्स की होने वाली है आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए। बाकी लास्ट चैप्टर नंबर 15 आपका आने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वेटेज आपकी होने वाली है सिर्फ 5 मार्क्स की टर्म 2 के एग्जाम के लिए फॉर साइंस सब्जेक्ट लास्ट है, ठीक है। तो आपका ये टर्म 2 का, अच्छा हम जान लेते हैं कि आपको टर्म 2 में जो आपका सिलेबस आने वाला है उसमें से आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, जो आपका चैप्टर 4 आ रहा है कार्बन वाला चैप्टर आपका, तो उसमें आपका नोमेनक्लेचर जो आपका टॉपिक है यहाँ से जो कि आपको पेज नंबर 67 पर है, ये और इसके आएगा जो भी पार्ट है वो आपका पार्ट कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, आपको उसको नहीं पढ़ना। और इससे पहले के जो भी पार्ट है होमोलोगस सीरीज तक के पार्ट यानी कि वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में से पीरियडिक क्लासिफिकेशन में से कोई भी टॉपिक नहीं कटा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है जैसे आप पढ़ते आए हैं। चैप्टर 8 में से नो रिडक्शन पूरे चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर 9 में से एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है
वो आपका पूरा कट हो गया, आपको सिर्फ हेरिडिटरी वाला पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 12 में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपका टॉपिक कटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप ये भी छोटा टॉपिक है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको काम है, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका लिंक हुआ हुआ है आगे के टॉपिकों से। चैप्टर 13 जो है उसमें से आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें जो वर्किंग है प्रिंसिपल जो भी है वो आपको कटा हुआ है, और डोमेस्टिक सर्किट जो होती है वो भी आपका कटा हुआ है, ठीक है। और चैप्टर 15 में से नो रिडक्शन है, ठीक है, कोई भी पार्ट नहीं कटा चैप्टर 15 में से, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया टर्म वन टर्म टू का सिलेबस, ठीक है। अब आपने टर्म वन टर्म टू का आपने अच्छे से देख लिया कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी होगी कि कहीं पर भी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों के दोनों चैप्टर पूरे के पूरे कट चुके हैं, जैसे कि पिछले साल आपके चैप्टर नहीं आए थे, इस साल आपके दो चैप्टर 7 और 14 नहीं आएंगे बिल्कुल भी, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना टर्म वन में ना ही टर्म टू में, ठीक है। और रही बात चैप्टर नंबर 16 की, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपका एग्जाम किसमें आएगा, ये आपका एग्जाम पूछा जाता है इंटरनल असेसमेंट में, किसमें, इंटरनल असेसमेंट जो आपके होते हैं वहां से आपका चैप्टर नंबर 16 आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे काम आएगा। बाकी ये जो मैंने आपको लिख के आप बताया है टर्म और टर्म टू के लिए, वो आपका टर्म और टर्म टू के लिए ही रहेगा, ठीक है। बाकी 7 और 14 को आपको हाथ तक नहीं लगाना है, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो गया इस साल के लिए, ठीक है। तो अब कुछ मेन बातें, कुछ और बातें जान लेते हैं कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे, आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल, तो उस 100 में से जो जो 100 आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, 100 में से 50 मार्क्स टर्म वन के, 50 मार्क्स टर्म टू के, ठीक है। अब इन 50 में से जो 40 होंगे वो आपके वो एमसीक्यू वाले जो होंगे क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे, और बाकी के 10 आपके मिलेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट के, जो आपके आपके प्रैक्टिकल वगैरह हो सकते हैं। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई जाएगा, 50 में से 40 मार्क्स आपके जो रिटर्न एग्जाम होंगे उससे आपको दिए जाएंगे, और बाकी के 10 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जाम इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके स्कूल वालों के हाथ में होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से आएंगे और बाकी के आपके 40 यानी कि 80 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम से आएंगे, चाहे वो एनसीक्यू के फॉर्म में हो चाहे वो आपका नॉर्मल फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है टर्म वन टर्म टू के लिए, क्योंकि टर्म वन जो कि आपका ज्यादा दूर नहीं बचा है, नवंबर दिसंबर का टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको पता भी चलेगा, टाइम आपका बीत जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आप हमारे वीडियोस के पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में हम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जाएंगे, हर क्वेश्चन हर सेक्टर के, ठीक है। तो हमारे वीडियो से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।